राजकुमारी और ड्रैगन। ये कहानी है एक राजकुमारी की, पर धोखा मत खाना। वो किसी प्रिंस चार्मिंग का इंतजार नहीं कर रही उसे बचाने के लिए, ये अलग है। वो एक योद्धा भावना वाली है। बहुत अरसा पहले रानी और राजा एक संतान चाहते थे, तो वो एक जादुई जंगल में गए एक इच्छा पूर्ति यूनिकॉर्न की तलाश में। ओ महान यूनिकॉर्न, हम तुम्हारे आशीर्वाद के लिए आए हैं। हमें एक संतान की आशीष दें। तुम्हें एक बालक लड़की से आशीष मिले जो तुम्हारी दुनिया में खुशी भर सके। यूनिकॉर्न ने उनकी इच्छा पूरी की और बहुत जल्द ही राज्य को अपनी राजकुमारी मिली। राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए। ओ मेरी बच्ची, मैं तुम्हें वॉयलेट बुलाऊंगी। राजकुमारी को सभी योद्धा वाले हुनर सिखाए गए एक राजकुमार की तरह, घुड़सवारी, तलवारबाजी, खुद की सुरक्षा और बहुत कुछ। वो रोज कसरत करती और एक सेहतमंद डाइट रखती। राजा का परिवार शांति और एकता से रह रहा था कि एक दिन राजा का एक खुफिया दूत खबर लाया कि उनके पड़ोसी राज्य ने शांति का सुलहनामा तोड़ दिया है और अब वो हमले की कगार पे हैं। सारा राज्य परेशान हो गया क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए इतनी फौज नहीं थी। राजा भी अच्छी सेहत में नहीं थे। राजकुमारी वॉयलेट ने रानी को राजा से बात करते सुन लिया। हमें राजा टॉम की मदद लेनी होगी। उसकी फौज हमारी मदद करेगी और हम लड़ाई जीत सकेंगे। मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही। दुश्मन की सेना काफी मजबूत है। राजा टॉम भी हमें बचा नहीं सकेंगे। हमें कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। तुम सही कह रही हो रानी, मैं कल सुबह ही रवाना होता हूँ। पिताजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जाकर सेना बुला लाती हूँ। मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है, उसे जाने दीजिए। ठीक है राजकुमारी। मेरे नहीं होने पर सेना को किसी भी हमले के लिए तैयार होना चाहिए। चीफ, मैं महाराज और महारानी की जिम्मेदारी आप पर छोड़कर जा रही हूँ। अवश्य राजकुमारी। तो राजकुमारी ने अपनी तलवार और भाला लिया, घोड़े पर सवार होकर अपने सफर पर निकल पड़ी। रास्ते में वो एक गांव के पास रुक गई। एक गांव वाले ने राजकुमारी को बड़ी अजीब बात बताई। आप पहाड़ के दूसरी तरफ नहीं जा सकते हो। एक आग उगलती ड्रैगन उस पहाड़ के अंदर गुफा में रहती है। वो तुम्हें खा जाएगी अगर तुम उसकी गुफा से गुजरे तो। और कोई भी वीर योद्धा या सिपाही वहाँ से जिंदा नहीं लौटा है। मैं किसी भी चीज से नहीं डरती। मैं उस पहाड़ को पार करूंगी चाहे जो भी हो। वो ड्रैगन यहाँ हजारों सालों से रहती थी, पर किसी ने उसे आज तक नहीं देखा। उसकी गर्म सांस ने गुफा के पास की जमीन को जला दिया था, इसलिए वहाँ कुछ भी नहीं उगता था। बहादुर राजकुमारी ने निहत्थे ही ड्रैगन से लड़ने का फैसला किया। माननीय ड्रैगन, मैं आपके लिए फूल लेकर आई हूँ। क्या आप आज रात मुझे इस गुफा में रहने देंगी ताकि मैं कल सुबह चली जाऊँ अपने सफर पर? क्योंकि मुझे अपने राज्य को बचाना है, नहीं तो ये देश निर्दयी लोगों के हाथ लग जाएगा। ड्रैगन अपना सिर नीचे करती है और गुलदस्ते को सूंघती है। उस तोहफे से खुश होकर वो राजकुमारी की तरफ मुस्कुराती है। मेरा नाम है फियोना। तुम बहुत निडर हो, बिल्कुल मेरी तरह। तुम वो पहले इंसान हो जो इतनी उदार हो और मुझे एक तोहफा दिया। तुम यहाँ रह सकती हो। रात में वो अपनी कहानी ड्रैगन को बताती है।
अगली सुबह राजकुमारी गुफा से निकलती है और वचन देती है कि दो दिन बाद लौटने पर वो जरूर आएगी। माननीय राजा टॉम, हमारा राज्य संकट में है, हमें आपकी सेना की जरूरत है, क्या आप मदद करेंगे? मूर्ख लड़की, मेरी सेना भी तुम्हारे राज्य पर साथ हमला करने वाली है, अब तुम अपने राज्य को जलते देखोगी। वो उसे बंदी बनाकर एक मीनार में डाल देता है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बाहर निकालो, जिस दिन मैं बाहर निकलूंगी तुम जरूर पछताओगे। राजा को पता भी नहीं था कि उसे क्या देखने को मिलेगा। फियोना, यहाँ ऊपर। हाँ, अब आएगा मजा। फियोना राजा की तरफ गुस्से से घुर्राती है और हवा में आग उगलती है। राजा और उसकी सेना उसके सामने घुटने टेक देते हैं। राजकुमारी अपने चाचा को बंदी बना लेती है और सेना को आज्ञा देती है किले के अंदर जाने की। चलो चले फियोना। प्रिय राजकुमारी, हमने आज तक ऐसी बहादुर राजकुमारी नहीं देखी है, हम आपके साथ दुश्मनों से लड़ेंगे। राजकुमारी वॉयलेट सेना के साथ महल वापस आती है और युद्ध लड़ती है। इस तरह वो राज्य को बचा लेती है, महाराज को, महारानी को और सेना मुखिया को भी। महाराज राजकुमारी को बताते हैं कि उनकी सारी सेना डरकर भाग गई, पर सिर्फ सेना मुखिया ही उनके साथ लड़े और पकड़े गए। हाँ तो पीटर, तुमने सोचा है कि इनाम के तौर पर तुम्हें क्या चाहिए? ये मैंने नहीं बल्कि राजकुमारी ने हमें और सारे राज्य को बचाया है। मैं उनका आदर करता हूँ और उनकी बहादुरी और साहस का कदरदान हूँ। अगर उनकी सहमति हो तो मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मंजूर है बेटी? जरूर पिताजी, मैं जरूर करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपना वचन निभाया है। तुम्हें राजकुमारी और राज्य का आधा हिस्सा मिलता है, तुम्हारी बहादुरी की वजह से, तुम बहुत बहादुर हो। पीटर और वॉयलेट विवाह कर लेते हैं और हमेशा खुशी से रहते हैं। साथ मिलकर वो राज्य पर शासन करते हैं। पर रुको, उस ड्रैगन का क्या हुआ? खैर, फियोना अपनी गुफा में चली जाती है जो उसका प्राकृतिक स्थान है और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो अपने गुफा के पास फूल उगाती है और अपने बेबी ड्रैगन्स के साथ खुशी से रहती है। Thank you.